हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विक्रम सिंह राणा। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हम में से कुछ लोग, बच्चे और माँ बाप दोनों। माँ बाप बच्चों से इतनी बदतमीज तरीके से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो ये नहीं देखते कि उनकी बात बच्चों को हर्ट हो रही है, नहीं हो रही, बच्चों को बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा। बस जो उन्हें अच्छा लगता है, बच्चा हमारा गलत कर रहा है, उसी टाइम बच्चों को डांट देते हैं किसी के भी सामने, किसी के भी सामने। वो ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चों को बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा। और दोस्तों आजकल आपको पता ही है, जरा जरा सी बात तो वो बुरी लग जाती है। उसी तरीके से हमारे बच्चे हैं, अपने माँ बाप से कई लोग तो इतनी बदतमीजी कर लेते हैं, भाई बहन आपस में इतना झगड़ा करते हैं, बुरी तरह कुछ भी मुंह में आ जाओ वो बोल देते हैं, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, जो मुंह में आए वो बोलना शुरू कर देते हैं। और इतनी खतरनाक बातें तक बोल देते हैं कि कई लोगों को तो हर्ट हो जाता है, और हर्ट होने में वो गलत कदम उठा लेता है। तो मैं सिर्फ आपको वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसी बात क्यों करते हैं किसी से, हम माँ बाप से, अपने अपने बच्चों से, कि बच्चे को हर्ट हो या माँ बाप को हर्ट हो यार, वो गलत कदम उठा लेता है। और जब वो गलत कदम उठा लेता है ना दोस्तों, उसका हम लोग आंसू बहाते हैं लोगों को दिखाने के लिए। पता नहीं लोगों को दिखाने के लिए बहाते हैं या रियल में बहाते हैं या दुख होता है हमें उसके बाद में। हाँ दोस्तों, ये सब करने के बाद उसका हमें बहुत पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। जिस तरह हम लोग एक तबीयत खराब होने के बाद ही दवा ले पाते हैं ना, उससे पहले हम शरीर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। कुछ भी खाएं सब आ जाए, गलत चीज़ खा रहे हैं, सही चीज़ खा रहे हैं, सब कुछ खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। जब तक तक सब आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब चल रहा है हमारा सही शरीर। लेकिन जब हम शरीर बीमार, हमारा बीमार हो जाता है, डॉक्टर परहेज करने को बोलता है, उसी वक्त हम लोग परहेज करते हैं। जब हमारी तबीयत खराब होती है उसी टाइम से हम परहेज करना शुरू कर देते हैं, हम उस टाइम वो चीज़ खाते हैं जो हमारे शरीर को लगती है, शरीर को फायदा करता है। लेकिन उससे पहले तबीयत खराब नहीं होती, हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाने लग जाते हैं, कुछ भी ईंट पत्थर कुछ भी खा लेते हैं, सब हजम आता है। तो उसी तरीके से इस तरह हम तबीयत खराब होने के बाद दवाई लेते हैं ना, परहेज करते हैं, उसी तरह हम लोग सब कुछ गाली गलौज करने के बाद, जब बंदा कुछ गलत कदम उठा लेता है, कुछ कोई बंदा जहर भी खा लेते हैं, सिर्फ बातों के चक्कर में ही, बुरे लगने के चक्कर में ही, उस वक्त हम सोचते हैं कि हमने इससे ऐसा क्यों कहा, हमने ऐसा क्या कह दिया, हमने ऐसा क्यों कहा। मरने के बाद किसी के तभी पता लगता है, काश अगर मुझसे ऐसा नहीं बोलते तो आज हमारे पास होता, हम बैठा के कम से कम समझाते, बात करते तो समस्या हमारी हल हो जाती। तो दोस्तों मैंने कई बार ऐसा देखा है, काफ़ी दुख होता है। तो ये देखते हुए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बात अगर आपको करनी हो तो आराम से बैठ के कर लीजिए, ना किसी से बदतमीजी करिए, ना अपने बच्चों से, ना मैं अपने बच्चों से कहना चाहूँगा, ना अपने माँ बाप से। कोई भी समस्या हल प्यार से बात करके 100% निकलता है, लड़ाई झगड़े से कोई हल नहीं निकलता और बंदे की जान तक चली जाती है, उसके बाद हम उसे दुख होता है। तो ऐसा काम हम ना करें, बातों की वजह से हम अपनी ज़िंदगी को नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि तो दोस्तों ज़िंदगी जाने के बाद बाद में काफ़ी दुख होता है हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को और हमें, कि काश उसने ऐसा क्यों किया। सारे रिश्तेदार आते हैं, जो गलती करता है, जो बंदा अपने शरीर को नुकसान करता है या जो बंदा मौत को अपने गले लगा लेता है, सब दोस्तों उसी को बुरा कहते हैं, क्योंकि उसने इतनी जल्दी हिम्मत हार ली, सिर्फ छोटी सी बात के ऊपर बंदे ने जहर खा लिया। दोस्तों ऐसा नहीं करना, मैं आपसे लास्ट में यही राय दूंगा आपको कि कोई भी समस्या हो बात करो, अकेले में कोई समस्या अपने अंदर ही अंदर मत लो, अपने फैमिली रिलेशन या फ्रेंड से बात करके समस्या हल करने की कोशिश करो, जिससे कि आपके बाद आपके घर वालों को समस्या ना हो जाए या माँ बाप को या आपके बच्चों को समस्या ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में कोशिश मैंने ये करी समझाने की लोगों को, जब किसी बात की समस्या का हल जहर खाना है, ज़िंदगी को त्यागना नहीं होता, बात करके भी हल हो सकता है। दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। ओके बाय दोस्तों।